हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का सिक्स्थ लेक्चर। फाइव लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के इस लेक्चर में हम लोग एक स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या बनाना है बच्चों, तो रिवेल्युएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एकदम एग्जाम टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अचला एंड बॉबी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 31 मार्च 2019। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बच्चों दो पार्टनर है अचला एंड बॉबी, और उनका ओल्ड रेशियो दिया है 3:1। 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट बना कर दिया हुआ है। लाइबिलिटीज में है आपका क्रेडिटर्स, उसके बाद हो गया जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और दोनों ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल यानी कि अचला और बॉबी का दिया है 4 लाख और 2 लाख। एसेट्स में आपका क्या है, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर नीचे लिखा है बच्चों, ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड विहान एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बिहान ब्राउट 1 लाख एज इज कैपिटल। कितना कैपिटल लाया है बच्चों, 1 लाख, और कितना शेयर पे इंटर कर रहा है, 1/5 शेयर। एंड द कैपिटल्स ऑफ अचला एंड बॉबी वेयर टू बी एडजस्टेड। बच्चों इस बात को ध्यान रखोगे, ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है कि अचला और बॉबी का कैपिटल जो है उसको एडजस्ट करना है। किस बेसिस पे, बिहान के कैपिटल के बेसिस पे, यानी कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे। अगर कोई भी सरप्लस या डिफिशेंसी होता है उसको हम करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। फर्दर इंफॉर्मेशन है, गुडविल दिया हुआ है आपका 4 लाख पूरे फॉर्म का। बिहान जो है वो नेसेसरी कैश ला रहा है अपने गुडविल में जो उसका शेयर है। हाफ शेयर क्या कर लिया गया, ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमेंस कंपनसेशन अमाउंटेड टू 80,000 है। अचला ने स्टॉक लिया 35,000 पे। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ है बच्चों 20% पे। आपको आपका रिक्वायरमेंट क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम टिपिकल क्वेश्चन है, सीबीएसई में तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। बिहार बोर्ड के भी बच्चे इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो उनका भी इस चैप्टर पे कमांड होगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, हेडिंग दे देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कॉलम होगा बच्चों पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। ओके बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट देखते हैं कि कहां कहां रिवाइज हो रहा है, कहां कहां रिवैल्यूएशन हो रहा है। तो फर्स्ट तो बच्चों कैपिटल की बात कर रहा था तो इसमें नहीं, सेकंड वाला तो आपका गुडविल का है। थर्ड देखते हैं बच्चों, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन अमाउंटेड टू 80,000। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है 50,000, लेकिन क्लेम कितने का बना, 80,000 का। तो क्या एंट्री करेंगे, तो इसको राइट अप करते हैं पहले। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी है मतलब क्रेडिट बैलेंस, इसको राइट अप करोगे तो डेबिट साइड आ जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, और उसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्लेम बना 80,000 का तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो या क्रेडिट कर दो, कितना से, 80,000 से। तो बच्चों आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था 50,000 का, क्लेम बना है 80,000 का, मतलब बच्चों अधिक बन गया यानी कि लॉस हुआ, उस लॉस को रिवैल्यूएशन में हम लोग डेबिट साइड दिखा देंगे तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना, 30,000। तो बच्चों यहाँ तो रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, कितना दिखा देंगे, 30,000 से क्या, किस चीज़ का, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का बच्चों, 30,000 का। तो ये काम बच्चों अपना हो गया, सॉरी ये वाला काम हो गया अपना। नेक्स्ट है अचला टूक ओवर स्टॉक 35,000। अचला ने क्या किया, 35,000 का स्टॉक लिया है। स्टॉक देखो रिकॉर्डेड है कितना, 45,000 पे, 35 पे ले रहा है यानी कि स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, मींस लॉस।
उसको भी रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखा देंगे, कितना कम से दिखाया है, कितना कम से टेक ओवर किया, 10,000 से, तो 10,000 का लॉस हो गया बच्चों। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, 20% से अप्रिशिएट यानी कि इंक्रीज कर रहा है, तो बच्चों प्रॉफिट हुआ ना, उसको क्रेडिट में दिखा देते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना से बच्चों, तो आपका दिया हुआ है 5 लाख, 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिवैल्यूएशन का, तो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करोगे तो क्रेडिट में आपका अधिक अमाउंट आ रहा है 1 लाख, 1 लाख। डेबिट में आपका घटेगा, क्या लिख सकते, किससे बैलेंस करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल में दिखा दो। कौन से पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल जो कि अपना दिया है अच्छिला एंड बॉबी। कितना होगा बच्चों, 60,000 बैलेंस कर देंगे। और ये जो आया आपका, ये आया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से रेशियो में, 3:1। तो 60,000 को 3:1 में हम अगर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 45,000 अचला का, 15,000 आपका बॉबी का। बच्चों आप लोग जितना भी कैलकुलेशन करो वो वर्किंग नोट में दिखा दो, आंसर शीट में ही आप लोग को वर्किंग नोट क्लियरली दिखाने होते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनाना है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक बात याद रखोगे, पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट भी करना है बच्चों, यानी कि अचला और बॉबी का जो कैपिटल है बिहान के कैपिटल के आधार पे एडजस्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कॉलम बनेगा बच्चों पार्टिकुलर्स, 3 पार्टनर का कॉलम बनेगा, एक हो गया अचला, इसको हम शॉर्ट में दे देते हैं लेकिन आप लोग पूरा लिखोगे, एक हो गया बॉबी यानी बी, और एक हो गया आपका विहान यानी कि भी। फिर आपका कॉलम रिपीट हो जाएगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद ले लो अचला, बॉबी और हो जाएगा विहान। सबसे पहले बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले क्या देते हो, कैपिटल बैलेंस। तो देखो लायबिलिटी साइड दिया है, मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो लिख दो बाय बैलेंस बीडी, 4 लाख आपका अचला का, 2 लाख आपका क्या हो गया, 2 लाख हो गया बॉबी का। विहान ने कैपिटल लाया है 1 लाख, तो क्या करके दिखा देंगे, बाय कैश या बैंक, या आपका बैंक बैलेंस दिया है तो बैंक दे दो, ठीक रहेगा, कैश भी लिख सकते हो बच्चों, बाय बैंक कितना, 1 लाख। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ऐसे आइटम्स को देखेंगे जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो देखोगे जनरल रिजर्व दिया 40,000, इसको क्रेडिट कर दो बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व किस में बांटेंगे बच्चों, तो ये बैलेंस शीट बच्चों अचला और बॉबी का दिया है, मतलब अचला और बॉबी में ही बांटेंगे। तो जनरल रिजर्व आपका 40,000 ओल्ड रेशियो में बांटेंगे यानी कि 3:1, तो आपका हो जाएगा 30,000 अचला का और 10,000 हो जाएगा बॉबी का। ओके बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच्चों कितना है, 50,000 है। और क्लेम कितने का हो गया था, क्लेम हो गया था 80,000 का, मतलब कुछ भी नहीं बचा बच्चों कि पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दे, तो इसको छोड़ देंगे। इसका जो लॉस हुआ उसको तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा ही दिया। अब बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, अचला का 45 और बॉबी का कितना था, 15,000 बच्चों। एक चीज़ आप लोग देखोगे, न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल बिल तो ला रहा है ना, तो गुडविल का शेयर निकाल लेते हैं। ये सब काम वर्किंग नोट में करोगे बच्चों, बिहान का शेयर गुडविल में क्या हो जाएगा, बिहान का शेयर गुडविल में हो जाएगा 4 लाख दिया है, और बिहान का शेयर है आपका बच्चों 1/5 यानी हो जाएगा आपका 80,000। और इसको क्या करते हैं, सक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग दिखाते हैं, यानी कि जो सक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होगा उसमें क्रेडिट कर देंगे। तो सक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, तो सीधा तो बच्चों ट्रिक पता है कि जब ओल्ड रेशियो दिया रहे और न्यू पार्टनर का शेयर है तो ओल्ड रेशियो ही सक्रीफाइस हो जाएगा, यानी कि 3:1, यानी कि दोनों पार्टनर्स अचला और बॉबी दोनों सक्रीफाइस कर गया। तो एंट्री क्या करते हैं बच्चों, एक एंट्री तो होता है गुडविल लाने का, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सारा वर्किंग आउट में दिखाते चलोगे बच्चों, अच्छा रहेगा।
और नहीं दिखा सकते हो तो कम से कम ध्यान में रखना होगा। तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 80,000। अब इसको क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में क्रेडिट कर देंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइस तो दोनों ओल्ड पार्टनर किया, यानी कि अचला टू अचला कैपिटल, अब बॉबी तो टू बॉबीज कैपिटल। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल है, 80,000। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1, तो 80,000 का 3:1 करेंगे तो हो जाएगा 60:20। तो बच्चों ए अचला और बॉबी क्रेडिट में दे दो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बच्चों कितना, 60,000 और 20,000। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन में देखोगे कि अचला और बॉबी जो है हाफ, यानी कि ओल्ड पार्टनर जो है हाफ गुडविल का विड्रॉ कर लिया, तब क्या एंट्री करेंगे, अचला बॉबी जो क्रेडिट है उसको उठाकर डेबिट में कर देंगे, यानी अचला कैपिटल डेबिट, बॉबी कैपिटल डेबिट और टू कैश। अचला कितना है बच्चों, 60,000 था, हाफ ले लेंगे यानी कि 30,000, और बॉबी का 20 है, हाफ ले लेंगे 10,000, टोटल कितना कैश विड्रॉ हुआ, 40,000। तो अचला और बॉबी आपका यहाँ पे डेबिट में शो हो रहा है, तो डेबिट में कर दो टू कैश, अचला का 30,000 और बॉबी का 10,000। ओके बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन में देखोगे रिवैल्यूएशन किए थे कि एक पार्टनर अचला ने स्टॉक लिया, तो स्टॉक देखोगे बच्चों एसेट्स है, मतलब बैलेंस शीट में दिया है, कौन सा साइड हो गया, राइट साइड, उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो स्टॉक 45 है, कितना में ले लिया स्टॉक, 35 में, कौन लिया, अचला, तो अचला से डेबिट हो, अचला कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो 35,000। अब बच्चों नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले बैलेंस कर लेते हैं, तो पहले अचला का टोटल करते हैं, क्रेडिट अधिकार है 4,00,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 45,000, 5,35,000। यहाँ भी कर देते हैं 5,35,000। इधर घटेगा क्या लिख दोगे, टू बैलेंस सीडी, तो 535 में 30,000 और 35 घटाएंगे तो 4,70,000 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग निकालते हैं बॉबी का, तो 2,00,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, आपका आ गया 2,45,000, और 10,000 आपका डेबिट है, तो कितना बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा 2,35,000 बॉबी का, 2,35,000 बॉबी का। बिहान का तो एक ही बैलेंस है आपका 1,00,000, इतना से ही बैलेंस कर देंगे 1,00,000 से। तो बच्चों यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करती है बैलेंस सीडी को, अब देखो अगर कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट नहीं करने को बोलता तो यहीं तक हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ पे बच्चों बोल दिया है कि कैपिटल्स ऑफ अचला एंड बॉबी वेयर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहान्स कैपिटल, यानी कि बिहान के कैपिटल के आधार पर अचला और बॉबी का कैपिटल एडजस्ट करना है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो बैलेंस सी डी यहाँ हो जाएगा बाई बैलेंस बी डी। अब क्या करते हैं बच्चों, ये ले लो 4,70,000, 2,35,000 और 1,00,000। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं इसका क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ तो एक बात तो क्लियर है कि जो न्यू पार्टनर है बिहान, उसका क्लोजिंग कैपिटल तो वही होगा जो उसने लाया है, बाकी दोनों पार्टनर का कैपिटल जो है वो बिहान के कैपिटल से एडजस्ट करना होगा। तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं न्यू रेशियो निकालते हैं, तो वही लेट बी प्रॉफिट बराबर क्या कर लो, 1 मान लो, उसमें से बिहान का शेयर देने के बाद जो प्रॉफिट होगा क्या कहलाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, तो 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो 5-1 यानी 4/5, इसको अचला और बॉबी में हम लोग बांट देते हैं, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 कौन सा रेशियो में, 3:1 यानी कि 3/4 हो गया, यानी कि 3/5 हो गया, 4 कैंसिल। बॉबी का ले लेते हैं तो कितना प्रॉफिट बचा है, 4/5, अब बॉबी का क्या है 1/4 यानी 1/5, और न्यू पार्टनर विहान का भी 1/5 है, तो न्यू रेशियो क्या हो गया बच्चों, न्यू रेशियो हो गया अचला का 3/5, बॉबी का 1/5 और न्यू पार्टनर विहान का 1/5, तो कितना हो जाएगा, 3:1:1।
अब क्या करते हैं बच्चों, टोटल कैपिटल निकालेंगे बिहान के कैपिटल के बेस पे। तो टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा बच्चों, आप बताओ। तो बिहान का कैपिटल 1 लाख दिया है 1/5 शेयर पे, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो टोटल कैपिटल आ जाएगा 5/1। क्वेश्चन में साफ दिया है बच्चों, कंफ्यूज मत होना कि अचला और बॉबी का कैपिटल एडजस्ट करना है बिहान के कैपिटल से। तो हम क्या कर रहे हैं, बिहान के कैपिटल के आधार पे टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं। टोटल कैपिटल मान लो जितना भी रहा हो उसका 1/5 1 लाख लाया है, तो टोटल कैपिटल कितना है 5 लाख, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे बच्चों। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने किया है। अब इस टोटल कैपिटल को क्या करना है, दोनों पार्टनर के कैपिटल में बांट, दोनों पार्टनर के शेयर में बांट देंगे, जो कि हमारा न्यू रेशियो के बेस पे है। तो अचला का कैपिटल क्या होगा, न्यू कैपिटल A4 बच्चों अचला, तो कितना टोटल कैपिटल निकाले 5 लाख, और अचला का है 3/5 यानी कि 3 लाख। और बॉबी का क्या हो जाएगा न्यू कैपिटल, बॉबी का न्यू कैपिटल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 लाख का, बॉबी का हो जाएगा 1/5 यानी कि 1 लाख। तो ये बच्चों न्यू कैपिटल निकल गया, अचला का 3 लाख और बॉबी का कितना 1 लाख, 4 लाख हो गया, और 1 लाख बिहान का। तो 3 और 1 क्या हो गया, अचला और बॉबी का गया। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस में दिखा दो, अचला का 3 लाख और बॉबी का कितना बच्चों 1 लाख। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, अब बैलेंस करेंगे। तो आपका पहले क्या कर लो, अचला का ले लो क्रेडिट में दिखा रहा है 4,70,000, 4,70,000, 3 लाख उसको बनाना है। तो बाकी किससे एडजस्ट करना है, करेंट अकाउंट से बच्चों। तो करेंट अकाउंट लिखकर बैलेंस कर दो, करेंट अकाउंट लिखकर बैलेंस कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका करेंट अकाउंट जो क्रेडिट डेबिट में बैलेंस कर रहे हो ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब कि लायबिलिटी है बच्चों। डेबिट में बैलेंस होगा वो क्रेडिट में जाएगा, ये आपका क्या हो गया लायबिलिटी हो गया। तो 470 में 3 घटाएंगे तो 1,70,000, इसका भी कर लेते हैं। बॉबी का क्रेडिट में यदि कर रहा है 2,35,000, 1 लाख ऑलरेडी है तो कितना से करेंट अकाउंट से करेंगे 1,35। बिहान का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, वही सेम कैपिटल 1 लाख, यहाँ भी क्या हो गया 1 लाख, इक्वल हो गया, ये बिहान का सेम है बच्चों। अब हम लोग को क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाना बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये जो क्वेश्चन का बैलेंस शीट है इसी को कॉपी करना है। मान लो तो हेडिंग दे दो बैलेंस शीट, डेट आप लोग दे देना जरूर एज ऑन 31st March 2019, नहीं तो 1st April 2019 भी लिख सकते हो। 4 कॉलम होगा ना बच्चों, 4 कॉलम होगा लायबिलिटीज, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, उसके बाद हो जाएगा एसेट्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन का है वही कॉपी करते चलते हैं। क्रेडिटर ले लो बच्चों, इसका कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, 1,10,000 है तो 1,10,000 ले लिए। जनरली जब नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी पार्टनर्स में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन 50 के जगह कितना हो जाएगा 80,000, प्रोविजन फॉर क्लेम 80,000, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000। ओके बच्चों, कैपिटल आपका अचला का ये नहीं है, अचला का कैपिटल क्या है ए करके लिख देता हूँ बच्चों, आप लोग पूरा लिखिएगा। अचला का कैपिटल कितना था बच्चों, अचला का कैपिटल था 3 लाख और बॉबी का कितना था 1 लाख। तो अचला का कैपिटल ले लो 3 लाख, बॉबी का कैपिटल कितना ले लो 1 लाख, और न्यू पार्टनर विहान है उसका भी कैपिटल ले लो, विहान कैपिटल, विहान्स कैपिटल कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा बच्चों। फिर हमने करेंट अकाउंट से बैलेंस किया था, करेंट अकाउंट से 170 अचला का 135, तो लायबिलिटी साइड दिखा दें बच्चों, क्रेडिट बैलेंस है। तो अचलाज करेंट अकाउंट कितना हो जाएगा, अचलाज करेंट अकाउंट हो जाएगा आपका 1,70,000, चेक कर लेते हैं 170। अब बॉबी का करेंट कितना है 135, बॉबी का करेंट अकाउंट हो गया 135। मेरे को लग रहा है कि लायबिलिटी साइड हमारा काम हो गया। अब बच्चों एसेट्स में देखते हैं,
एसेट्स में कितना है, देखो कैश है आपका 60,000, ये तो कैश एट बैंक है 60,000। अब हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा पैसा आ रहा है सबको हम बैंक करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे ये कैश जो है इसको क्या कर दो, बैंक कर दो इसके, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया हुआ है। तो एक ये हो गया, प्रीमियम का क्या एंट्री किए थे हम लोगों ने, प्रीमियम का एंट्री हम लोगों ने कहीं किया था ना, ये कैश के जगह क्या कर दो, बैंक दे दो। तो बैंक बैलेंस बच्चों निकाल लेते हैं, ये भी आप वर्किंग नोट में दे देना। बैंक बैलेंस कितना होगा, पहले से बच्चों 60,000 का, ध्यान दोगे पहले से 60,000 का है, प्लस में 1,00,000 उसने क्या किया, कैपिटल लाया, लाया ना उसने 1,00,000 कैपिटल, 1,00,000 कैपिटल लाया प्लस कर दो। गुडविल भी लाया है बच्चों 4,00,000 टोटल था, 1/5 कितना 80,000, और उसमें से बच्चों विड्रॉ भी हुआ है हाफ, कितना हाफ विड्रॉ हुआ 40,000। तो कर लेते हैं 1,60,000 और 80 में से 40 घटाए 40, यानी कि 2,00,000 हो जाएगा बच्चों। तो कैश एट बैंक कितना हो गया 2,00,000, कैश एट बैंक हो गया बच्चों 2,00,000। उसके बाद है डेटर 40,000, डेटर का कोई रिवाइज नहीं हुआ तो वही वैल्यू ले लो, बुक वैल्यू जो है 40,000। स्टॉक बच्चों है, स्टॉक नहीं लेंगे क्योंकि अचला ने स्टॉक को टेक ओवर कर लिया। फर्नीचर ले लेंगे 1,55,000 पे, फर्नीचर 1,55,000, इसका कोई रिवेल्यूशन नहीं हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों 5,00,000 है, लेकिन 20% से इंक्रीज किया, मतलब 1,00,000 से आप लोग रिवेल्यूशन देखोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, 1,00,000 से इंक्रीज किया था ना, तो ले लेते हैं 1,00,000 से लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि 5,00,000 ऑलरेडी 1,00,000 से इंक्रीज किया, तो अब उसका रिवाइज वैल्यू कितना हो गया 6,00,000। अब बच्चों टोटल कर लेते हैं, तो पहले लाइबिलिटी साइड टोटल कर लो, 1,10,000 प्लस 80,000 प्लस 3,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,35,000, टोटल आ गया 9,95,000। क्या एसेट्स में भी इतना ही आएगा, तो बिल्कुल आएगा बच्चों, 6,00,000 ये 2,00,000 है, ये 40,000 है, उसके बाद ये 150 है, और ये आपका 6,00,000, ये भी आप टोटल करोगे तो 9,95,000। तो बहुत बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये समझ में आया होगा। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट यही लेक्चर देखते हैं या कहीं से भी ज्वाइन किए हो, तो उन लोगों को सलाह है कि प्लेलिस्ट में जाकर देख चेक कर सकते हो, एडमिशन और पार्टनर का शुरू से आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो बच्चों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, थैंक यू बच्चों।